तो आज की जो हमारी क्लास है वो डेम बीजी की पहली क्लास है। उससे पहले आपको बीजी के बारे में बता दूँ थोड़ा। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी भी अकाउंट्स को मैनेज करता है। जैसे अकाउंट्स का मतलब हिसाब किताब रखना कि अगर 100 रुपये की मैंने किसी को सेल करी, उसने 80 रुपीज़ मुझे वापस कर दो, कितने बैलेंस इसका, ठीक है, उस तरह का। सबसे पहले आपको ये बताऊँ, बीजी कब तकरीबन सन 2000 के करीब आया था। पहले आपका 3 वर्जन से बीजी स्टार्ट हुआ था, फिर आपका 12 वर्जन में गया, फिर आपका 14 में गया, अब 16 में, और लेटेस्ट जो आएगा GST उसमें 17 आ जाएगा, ठीक है। तो बीजी ऐसे ऐसे अपग्रेड हुआ बीजी के अंदर। और भी इसके अंदर ये कि तो बीजी अपग्रेड होता रहता है, अभी इन फ्यूचर कल भी ये अपग्रेड होता है। आप देखोगे बीजी पे कल्सर ले जाओगे या मॉडिफाई पे जाओगे तो इसको आपको यहाँ मिलेगा, ये पता चलेगा कि इसका रिलीजिंग कौन सा है। बीजी का रिलीजिंग होता है 5.9 है, ठीक है। इसका मतलब इससे पहले भी आपके 5.8 आए, 7 आए, 6 आए, तो इस तरह के अपग्रेड आते रहते हैं, ठीक है। बीजी को अनइंस्टॉल करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बीजी को गूगल से डाउनलोड करना है, डेमो कर हो जाएगा, ठीक है। मैं उसमें एक छोटी बताता हूँ कि इसको की कैसे, ओरिजिनल कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर हम गूगल लिखेंगे, देन इस पर एंटर मारेंगे, गूगल पे जाएंगे, गुड इवनिंग, देन यहाँ से गूगल पे जाएंगे, इसकी वेबसाइट है bizy.com/bizydata, ठीक है, डाटा। ये वेबसाइट है बिजी वालों की, जिन्होंने बिजी आएंगे थोड़ी देर हो जाए, चलिए कर लो, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको बीजी का जो भी वर्जन चाहिए 3, 6, 12, 14, 15 उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड देन जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन होगा उसको यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर दें, तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद होता क्या है, बीजी जो आता है वो डेमो मोड पर आता है। इसमें क्या होता है कि हम 30 दिन की एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद ही क्रिएट मोड पर चला जाता है। उस सिचुएशन पर हम क्या करेंगे, हम बीजी को एक डेमो से एक 90 डे पर ले जाएंगे। अभी 30 दिन के लिए डेमो होती है, हम 180 दिन पर ले जाएंगे। कैसे, हम राइट क्लिक करेंगे, इस पर न्यू जाएंगे और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ले लेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल लेंगे तो इस पर अब क्या करनी है, छोटी सी कोडिंग सी करनी है, इस फाइल को ओपन करना है और कितने दिन के लिए डेमो बनाना है, हमने बोल दिया 180 डेज के लिए डेमो बनाना है, 365 के लिए बनाना है, और इस पर ये डाल देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डेज का कोई भी नंबर डाल देंगे उसके बाद, ठीक है, कोई भी अपना मोबाइल नंबर डाल दो, ठीक है। फिर फाइल को सेव करेंगे कहाँ पर, सी ड्राइव के अंदर, बिजी विन के अंदर, सिस्टम के अंदर, और यहाँ कोड लिखेंगे demo.ini, ये कोड है इसको ओरिजिनल करने के लिए। उस फाइल को हमेशा इसी ड्राइव में सेव करोगे, सी ड्राइव में, बिजी विन सिस्टम में, एंड देन किस है डैमो के नाम से, देन ओके करोगे, ये रिप्लेस के लिए पूछेगा, आप रिप्लेस करोगे, ओके, चालू। अब मतलब क्रैक हो गया है अब आपका, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अभी देखिए,
अब आपका डेमो कॉपी आ गया, ठीक है। जैसे आप इसको रीस्टार्ट करोगे, जो आपने कोड लिखा है, यहाँ डेमो आईडी आएगा, यहाँ पर सीक्वेंस नंबर आ जाएगा वीजी का, ठीक है। तो ये होता है वीजी को ओरिजिनल करने में। लेकिन देखिए, अभी डेमो नहीं हुआ तो कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। जब भी आप वीजी को ओपन करते हो तो हमेशा कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा जिस पर लिखा हुआ कुड नॉट चेक सिक्योरिटी। इसका मतलब वीजी को चलाने के लिए आपका इतना बड़ा एक डोंगल आएगा जो इस पर लिखा हुआ वीजी हो, और 8 डिजिट का कोई सीरियल नंबर होगा, जैसे होता है ना मोबाइल पे या सिक्योरिटी की जैसा, उस तरह का है ना, उस पर 8 डिजिट का कोई नंबर लिखा होता है। अगर होगा तो आप यहाँ पर लगा देंगे, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। उस डोंगल का खाली काम इतना होता है, वो डेट को कैरी फॉरवर्ड करता है, क्या करता है, डेट को आगे बढ़ाता है और कुछ नहीं करता। जैसे आपका 20-30 दिन बंद हो जाएगा वीजी आपका, तो डेट क्या करता है, कैरी फॉरवर्ड करता रहता है आगे। अगर डोंगल नहीं होगा तो आप 30 दिन ही काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसको ओके करें, उसके बाद डोंगल के वो एजुकेशन मोड में चलेगा, वो चलेगा वो 365 डेज चलेगा ना, उसके बाद तो बंद हो जाएगा वो भी, ठीक है। उसके बाद आता है पाथ। अगर मैं इस कंपनी को क्रिएट कर लूँ, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ गया और इस पर क्रिएट कर दी, तो मुझे ही पता चलेगा मेरी कंपनी कौन सी लोकेशन में बनी, नहीं ना, क्योंकि मुझे बताया नहीं कि मेरी कंपनी उस ड्राइव में या उस लोकेशन में जाके क्रिएट हो। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें पाथ देना होता है। पाथ के लिए हम कहाँ आएंगे, सेट डाटा डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ से आपकी जो भी लोकेशन होगी उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। मैंने बोला ई ड्राइव में बनानी है, तो यहाँ पर आमिर के अंदर, तो मेरी कंपनी अब कहाँ बनेगी, ई ड्राइव में आमिर। अगर आप चाहते हो मुझे खुद फोल्डर बनाना, तो आप विंडो प्लस ई दबाइए, आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर ई ड्राइव में जिस नाम से आप फोल्डर बनाओगे उस नाम से यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो मुझे इस नाम से बनानी है, तो मैं इसको यहाँ से काट दिया, एंड देन मैं ई ड्राइव, इस फोल्डर को दोबारा क्लिक करा, ई ड्राइव पे गया और एस दबा दिया, वही फोल्डर आ जाएगा, देन ओके। तो मेरी कंपनी ई ड्राइव शंकर के अंदर बनेगी, देन इसको क्लोज करेंगे और जाएंगे हम क्रिएट कंपनी। अब जो भी मेरी कंपनी का नाम होगा उस कंपनी का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे मैंने बोला मेरी कंपनी का नाम है AK सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, ठीक है, ठीक है। एंड देन ये मेरी कंपनी का नेम है, मैं चाहता हूँ जब भी मेरा कोई भी इन्वॉइस निकले तो इस नाम से प्रिंट में आए। एक होता है आपका कंपनी नेम, एक होता है आपका प्रिंट नेम, दोनों में अंतर है। कंपनी नेम, अगर मैंने बोला कंपनी नेम यहाँ विजुअल होता है, और प्रिंट नेम जो छप के आता है, मैंने कहा जो भी मेरा बिल छप के आए वो किस नाम से है, AK सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के नाम से है, मेरा मोबाइल नंबर ना। लेकिन जब मैं कंपनी को यहाँ स्क्रीन पर नीचे देखूँ तो पूरी इस नाम से शो, ठीक है। शॉर्ट नेम आप AKSS बना सकते हो, कंट्री अपनी इंडिया, स्टेट अपना दिल्ली, फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है, ठीक है। अगर मेरी कंपनी 1/8 कोई बनेगी तब भी हमारी कंपनी 31/3/2017 को ही क्लोज हो जाएगी, ये फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो इसको ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर अपना करंट ईयर डाल देंगे। अब आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम, आपको एंट्री कब से करनी है, जैसे आज आपकी डाट है, हाँ जैसे आज ये डेट है, ठीक है। आपने कहा मुझे आज से बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब मैं पीछे का कुछ नहीं करना चाहता, तो आप स्टार्टिंग डेट में क्या डाल दोगे, आप चाहते हो कि यहाँ से स्टार्ट हो तो आप 25/11/2016 डाल देंगे, तो आपका जो भी वर्किंग स्टार्ट होगी यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन कंपनी क्लोज कब हो जाएगी, 31/3/2017 को। बट आप चाहते हो कि अगर मुझे इन फ्यूचर अप्रैल में करनी पड़ेगी, अगर मुझे अप्रैल से लेके 24/11 की एंट्री करनी पड़ गई तब क्या करूँगा, फिर तो मेरे एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग यहाँ से बोल दी। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है आप उसी से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप यही कोशिश करो कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वही आपका नीचे होना चाहिए। देन यहाँ पर अपनी जो भी कंपनी का ईमेल एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ से डाल देंगे, अभी एक मिनट वहीं पहुँचने दीजिए। देन यहाँ पर दिल्ली आ गया, ठीक है। अब आता है सैन नंबर। सिन नंबर की फुल फॉर्म होती है कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये इंपोर्टरों को मिला जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अब आता है आईटी पैन नंबर, इंपोर्टरों को मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। अब आता है आईटी पैन नंबर। आईटी पैन नंबर होता है इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। इसकी दूसरी फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। दो मीनिंग है, आप पर्सनल भी लगा सकते हो और परमानेंट भी लगा सकते हो। ये 10 डिजिट का होता है, ठीक है। शुरू के 5 अक्षर अल्फा होंगे और बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल होंगे और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होगा, ठीक है। ये इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद वार्ड आता है, जैसे आप क्षेत्र होता है ना कि इस क्षेत्र से ये उम्मीदवार खड़ा है, वार्ड नंबर के हिसाब से होता है ना, तो आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर टेलीफोन नंबर, जो भी आपकी कंपनी का टेलीफोन होगा, मैक्सिमम यहाँ पर 3 मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर कंपनी का फैक्स नंबर, जो भी कंपनी का फैक्स नंबर होगा, देन कंपनी की ईमेल आईडी,
ठीक है। इसके बाद है करेंसी सिंबल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंट्री चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ पर नाइजीरिया कर दिया, जो भी करेंसी सिंबल नाइजीरिया होगा वो बाई डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। देन अभी हमें सेल टैक्स रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, इस टॉपिक को नो करेंगे और सेव करेंगे। इसे सेव कर दी मेरे हो जाएगा सेव, ठीक है। क्या क्या चेंज होगा इसके लिए? बीजी पैप पूरा चेंज हो जाएगा, जो आपका 16 वर्जन है पूरा खत्म होकर 17 आ जाएगा। तो चेंजेस क्या होंगे ये दिखाया, तो मेरे पास पीपीटी पड़ी है पूरी उसकी, आप डिटेल में देख सकते हैं। दिखाया था हूँ, मेरे पास पीपीटी पड़ी हुई है, किसी ने आज पूरे सिस्टम को रीचेंज कर दिया है। बस कहीं इसमें 2 मिनट रुक जाओ, बस इनकी होने वाली क्लास खत्म, फिर आपके बारे में दिखा दूँ। नहीं नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ जीएसटी में क्या चेंजेस होने वाले हैं बीजी के थ्रू, वो आप देख लीजिए। मैंने जब तक कंपनी बन रही है हमारी, नहीं मेरी ईमेल आईडी, ठीक है ना, पूरा इसमें स्ट्रक्चर आ चुका है बीजी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ज़्यादा चेंज है, पहले 10 नंबर आपका पूरा हट गया, वो G10 नंबर आ गया है, ठीक है ना। अलग 11 का होता है 10 नंबर, वो आपका 15 अंक का हो गया है, मतलब अलग पूरे चेंजेस कर दिए। CST नंबर डिफरेंट कर दिया उन्होंने, काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं। कंपनी बन गए, देन अब आता है कंपनी का यूज़र नेम, पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड। आप कोशिश ये करना है, आप जब भी किसी भी नाम से कंपनी बनाएंगे, जो उसका पहला लेटर होगा वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। इससे क्या होगा, आपके जानने के बाद मैं कंपनी को चेक भी कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखें, जब भी आप जिस नाम से कंपनी बनाएंगे उसका पहला लेटर यूज़र पासवर्ड डालेंगे, एंड देन सेव। हो गया सेव। उसके बाद आपको इन्वेंट्री पे आना, एक सेटिंग करनी है छोटी सी, कि जो भी मैं माल बेचूंगा वो फीफो के मेथड बेचूंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आइटम पहले आएगी वो पहले बिकेगी। इससे क्या होता है, स्टॉक आपका बहुत अच्छा तरह से मेंटेन रहता है। देन इसको सेव करने के लिए आपने कीबोर्ड पे F2 बटन दबा दीजिए या फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जो आपका सेव हो जाए, ठीक है। बाहर आने के लिए आप स्कैप बटन, तो आप देखोगे आपकी जेन्युइन कंपनी बन चुकी है। अब इसको बंद करना है तो 2 बार अपने कीबोर्ड पे स्कैप बटन दबाइए, एंड डू यू वांट टू क्लोज, ठीक है। दोबारा सी कंपनी को खोलनी है, सबसे पहले आप देखना कि आपकी लोकेशन वही है। अगर आप देखो लोकेशन यहाँ हट गई, अगर मैं यहाँ से ओपन कंपनी करूँगा तो इस लोकेशन की सारी कंपनी आ रही है। अभी ई ड्राइव संकट चल रही है, अगर मैंने सपोज लोकेशन चेंज कर दी तो मेरी वो कंपनी गायब हो जाएगी, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ही रन करता है, ठीक है। अब दोबारा मैं ई ड्राइव संकट रेटिंग दूंगा, देन फिर हमारी कंपनी विजुअल हो जाएगी। देन ओपन नीचे जनरेट पास, ये मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा धीरे धीरे, पहले अभी इतना ना फर्स्ट क्लास के लिए इतना है। तो अब आप क्या कीजिए, मुझे